أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بروفيسور نثار احمد ككل न्यू लेक्चर के साथ लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सिंपलीफाई किया। आज यानी लेक्चर नंबर 20 तक हमने पढ़ा है। आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 21। लेक्चर नंबर 21 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। पहला फॉर्ट हमें गिवन है ए, हमें गिवन है 3.5, बी हमें गिवन है -6.2। याद रख लिया अगर हमें ऑर्डर फेयर गिवन हो, ऑर्डर फेयर लास्ट टाइम शायद हमने हमारे पास अगर बेसिकली का डर फेयर गिवन हो ए कमा बी, अमूमन बेसिकली जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ए आई प्लस बी जे, ए आई प्लस बी जे अगर हमें गिवन है तो हम जनरल इस फॉर्म में लिखते हैं। हम इसको भी इन फॉर्म ऑफ वेक्टर लिखेंगे, 3i + 5 ऑफ जे, आई जे मीन्स यूनिट वेक्टर्स, और इसको हम लिखेंगे -6i + 2 ऑफ जे। ए भी फाइंड कर लेते हैं तो ए बी सी मुराद बी माइनस ए। लेक्चर 120 में इस बात को हमने डिस्कस किया है, बी लिख लो -6i + 2 ऑफ जे -a, 3i + 5 ऑफ जे, दिस इज इक्वल टू -6i, 2 ऑफ जे, -3 ऑफ आई, -5 ऑफ जे, प्लस माइनस तो माइनस बनेगा, i को i के साथ ये बनेगा -9i, j को j के साथ -3 ऑफ जे। 3 b 2 i 3 -3 2, first इनको लिख लो इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, a इज इक्वल टू i 3j, b इज इक्वल 3i 7 ऑफ j, a b is equal to b minus a, b की जगह पर वैल्यू 3i + 7 of j -2i + 3 of j, 3i + 7 of j -2i - 3 of j, इनको इससे निकाले 1i 1, हम नहीं लिखते क्योंकि साइन वाले का ये बड़ा है तो इसलिए साइन पॉजिटिव लगे, इनको इसे निकालें, यह आएगा 4 ऑफ जे, यह आएगा 4 ऑफ जे। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में गिवन क्या है, ए इज इक्वल टू 2 - 3, अगर इनको वेक्टर फॉर्म में लिख लें तो ये बनेगा 2i - 3 ऑफ जे, 2i - 3 ऑफ जे, और बी हमें गिवन है, बी क्या गिवन है 2i - 6 ऑफ जे, सी हमें गिवन है 7i + 8 ऑफ जे। पहला फॉर्ट हमें गिवन है, पहला फॉर्ट हमें गिवन है ए प्लस 3 ऑफ बी, ए की जगह पर वैल्यू, बी की जगह पर वैल्यू, ए की वैल्यू है 2i - 3 ऑफ जे
प्लस थ्री हैज इट इज बी की जगह पर मैं ले टू आई सिक्स ऑफ जे, ए और बी की जगह पर हमने वैल्यू लगाया, आएगा टू आई माइनस थ्री अब जे, थ्री टू सिक्स, थ्री सिक्स एटीन, इनको इसमें हेड कर ले आएगा एट ऑफ आई, इनको इसमें हेड कर ले माइनस ट्वेंटी वन ऑफ जे, माइनस ट्वेंटी वन ऑफ जे। सीधा बात है, ए बी की वैल्यू बी को थ्री के साथ मल्टीप्लाइड किए, हाई को हाई, जे को जे से सिंप्लीफाई की है। इसके सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट ये है टू ए माइनस वन अपॉन टू बी प्लस सी, लगा दो वैल्यू सबकी जगह पर, वैल्यू लगा देते हैं, दिस इज इक्वल टू टू हैज इट इज, ए की जगह पर वैल्यू टू आई माइनस थ्री अब जे, फिर इसके बाद माइनस वन बाई टू, ये आएगा टू ऑफ आई माइनस सिक्स ऑफ जे, प्लस सी की जगह पर वैल्यू लगा दो, से वन ऑफ आई प्लस एट ऑफ जे, दिस इज इक्वल टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, इन दोनों में टू को कॉमन निकालो, टू इज कॉमन, इधर वन आई, टू थ्री जा सिक्स आएगा, ये बनेगा से वन आई प्लस एट ऑफ जे, टू टू कैंसल होगा, फोर आई सिक्स ऑफ जे, प्लस माइनस तो माइनस है, माइनस इंटू माइनस तो प्लस आएगा, सेवन आई एट ऑफ जे, ये आई हैं और ये हाई हैं, ये हैं, ये दोनों प्लस में तो ये बनेगा अलेवन, अलेवन में से वन को निकाले तो टेन आएगा हमारे पास, टेन ऑफ आई। इसके बाद जे का बारी है, ये दो प्लस में, ये दोनों प्लस में हैं, ये फिर दोनों हेड होकर के अलेवन आएगा, अलेवन में से सिक्स को निकालें तो फाइव बच जाता है, या आएगा, लेकिन जाहिर सी बात है अलेवन बड़ा है, साइन पॉजिटिव का लगेगा, यानी फाइव ऑफ जे, फाइव ऑफ जे। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे, क्वेश्चन नंबर फोर में ये पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ ए बी, क्वेश्चन नंबर फोर कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड एंड सी डी, ए गिवन है, ए में क्या गिवन है माइनस वन फाइव, बी गिवन है जीरो से वन, और सी गिवन है थ्री अपॉन टू टू, और डी हमारे पास गिवन है, डी क्या गिवन है माइनस अलेवन नाइन। सबसे पहले काम इन फॉर्म ऑफ वेक्टर लिख लो, ए इज इक्वल टू माइनस वन, वन हम नहीं लिखते तो हाई लिख लो, फाइव ऑफ जे आएगा, बी इज इक्वल टू जीरो ऑफ आई प्लस से वन ऑफ जे, और सी इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू ऑफ आई प्लस टू ऑफ जे, और इसके बाद लिख लो डी, डी इज इक्वल माइनस अलेवन ऑफ आई प्लस नाइन ऑफ जे। सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, नंबर वन ए बी, ए बी मीन्स बी माइनस ए, लगा दो वैल्यू, बी की जगह पर वैल्यू लगा दो, बी की वैल्यू है जीरो आई प्लस से वन ऑफ जे माइनस
1i plus 5 of j. This is equal to 0i. Say 1 of j minus into minus to plus banega, plus minus to minus banega. इसके बाद हमारे पास बनेगा ए बी इज इक्वल टू, अच्छा इनको इसमें हेड कर दोनों पॉजिटिव है तो वन आई आएगा, इनको इससे माइनस कर लें टू ऑफ जे, इनको हमने इसमें हेड कर तो वन, इनको इससे निकाले तो टू ऑफ जे, ये तो हमारे पास ए बी आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर टू सी डिफाइन कर लेते हैं, डी माइनस सी, सी डी, डी की जगह पर वैल्यू लगा देते हैं, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, डी की वैल्यू है हमारे पास माइनस 11 ऑफ आई प्लस 9 ऑफ जे माइनस सी, सी की वैल्यू है, C की वैल्यू है 3 अपॉन 2 ऑफ i प्लस 2 ऑफ j, 3 ओवर 2 i प्लस 2 ऑफ j, C ऑफ d इज इक्वल 11 ऑफ i 9 ऑफ j माइनस 3 अपॉन 2 ऑफ i माइनस 2 ऑफ j। जाहिर सी बात है इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सी डी ये बनेगा माइनस 11 माइनस 3 अपॉन 2 आई दोनों में कॉमन। अगर सिंपल आप सिंप्लीफाई करके आई आई वालों का एलसीएम ले ले तब भी सही है, या आपने आसानी के लिए इनमें से आई उठा को कॉमन निकालो और इनको इससे मैं हेड कर ले से वन अब इनको इससे निकालें तो ये बनेगा हमारे पास से वन ऑफ जे, सी डी इज इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम है ये 22 माइनस 3 आएगा हाई प्लस से वन ऑफ जे, क्योंकि इसके अपान में हम 1 लिख सकते हैं तो 1 2 जर 2 11 2 जर 22 सी डी माइनस 25 ओवर 2 हाई प्लस से वन ऑफ जे, ये हमारे पास है सी डी। हमारा मकसद कि हम सम पॉइंट कर लेते हैं, सम ऑफ ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी मीन्स ए बी प्लस सी डी, ए बी की जगह पर वैल्यू लगा दो, ए बी की वैल्यू आया आई प्लस 2 ऑफ जे, और सिमिलरली उसकी जगह पर वैल्यू लगा दो सी डी की जगह पर प्लस सी डी, ये हमारे पास क्या था ए बी 25 और 2 ऑफ आई प्लस से 1 ऑफ जे, दिस इज इक्वल टू आई 2 ऑफ जे 25 प्लस माइनस तो माइनस आएगा और प्लस से वन ऑफ जे, फिर इन दोनों में उसी तरह 1 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों में आई को कॉमन निकाला इधर 1 रह गया, इधर माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2 रह जाएगा, इनको इसमें ऐड कर ले बनेगा 9 ऑफ जे, इन दोनों का एलसीएम ले लो ये बनेगा 2 माइनस 25, क्योंकि इसके अपान में 1 है तो 1 2 जो 2 2 1 जो 2 i प्लस 9 ऑफ j, इनको इसे निकालें माइनस 23 रह जाता है डिवाइडेड बाय 2 i प्लस 9 ऑफ j, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ ए बी एंड सी डी। इसको आप कॉमा की शक्ल में भी लिख सकते हो, माइनस 23 डिवाइडेड बाय 2 कामा कामा 9, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो और हाई उस फॉर्म में भी लिख सकते हो। एक बात जहन में रख लें, होना चाहिए कि हम लिखीर के पखीर ना बने,
कि हनुमान बेसिकली जिस फॉर्म में आंसर गिवन है उसी फॉर्म में लिख लो। इसके बेहतर तरीका ये है, आपने थोड़ी सी क्वेश्चन को भी देखना है कि अगर क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ कामा है तो आंसर को भी कोशिश कर लो इन फॉर्म ऑफ कामा लिख लो। अगर वो इन फॉर्म ऑफ वेक्टर है तो आंसर को भी फिर हाई जी की शक्ल में लिख लें। लेकिन फर्क नहीं पड़ता है कि हम पीछे से लाजमी आंसर देखते हैं। नो, आंसर इज दैट वन इन विच योर इंडीड इन मीन्स, कहने का मकसद कि जहां पे आप क्वेश्चन को स्टॉप करते हो दैट इज कॉल्ड योर आंसर। यहाँ पे हमने बेसिकली इसलिए इन फॉर्म ऑफ कामा लिखा है क्योंकि पॉइंट्स आई मीन फॉर्म ऑफ कामा गिवन है, तो बेहतर है कि हम आंसर को भी इन फॉर्म ऑफ कामा लिख ले। अदरवाइज नो इशू, आप आई जी की शक्ल में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है, कह रहे हैं फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। पहला पार्ट हमें गिवन है A is equal to 4 high plus say 1 half j। हमें पता है यूनिट वेक्टर को हम ए एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो हमें गिवन है, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमने पढ़ा है, वो ये था, नोट की शक्ल में मैं इधर लिखूंगा, ए इज इक्वल टू एक्स हाई प्लस, इन प्लेन में भी हमने पढ़ा, इन स्पेस में भी हमने पढ़ा, तो इनका डायरेक्शन बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। यहाँ में मेरे पास क्या बनेगा, एक्स की जगह पर 4 का स्क्वेयर प्लस 7 का स्क्वेयर। ए इज इक्वल टू ये बनेगा 60, ये बनेगा 49, इसको ऐड कर ले गालिबन ये बनेगा 65 का कोई मुकम्मल रेडिकल नहीं है फ्रेंड्स में, तो है इट छोड़ दो ना, फार्मूले में वैल्यू लगा दो ए डायरेक्शन, तो 4 ऑफ आई प्लस 7 ऑफ जे डिवाइडेड बाय 65, इनके अफान में अलग लिख लो और 7 के अफान में अलग लिख लो, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसको हम नाम देते हैं यूनिट वेक्टर के। कोर फॉर्ट देख लें, फॉर्ट नंबर 4 डी हमें गिवन है 5i माइनस 6 ऑफ जे। हम सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड बनेगा 5 का स्क्वेयर प्लस माइनस 6 का स्क्वेयर, दैट इज 25 प्लस 66 36, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये बनेगा 11 और ये बनेगा 561, बनेगा हमारे पास 61। ये आया हमारे पास क्या आया है, मैग्नीट्यूड। अब फार्मूला लगा दो, फार्मूला हमें पता है, क्या फार्मूला था इसके बाद, फार्मूला हमारे पास ये है ए के इज इक्वल टू डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की जगह पर वैल्यू लगा 5i माइनस 6 अब जे डिवाइडेड बाय रेडिकल ऑफ 61, इनके अफान में अलग लिख लो और इनके एनएलसीएम हमने ब्रेक किए, दोनों के अफान में अलग अलग लिखा है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ ए सॉरी दैट इज कॉल्ड
a unit vector. Ether vector in plane. Plane में दो हैं, हम डिस्कस करते, पहले भी मैंने डिस्कस की हैं, वेक्टर्स इन, वेक्टर इन, वेक्टर्स इन स्पेस. प्लेन और स्पेस का फर्क ये है, प्लेन में दो एक्सिस होते हैं बट स्पेस में तीन एक्सिस होते हैं. दैट इज एक्स वाई जेड. दैट इज एक्स वाई जेड. हमें एक बात जेन में होनी चाहिए, इसको एक्स को हम डिनोट करते हैं हाई से, इसको डिनोट करते हैं जे से, इनको डिनोट करते हैं के से. अगर हमसे पूछा जाएगा कि हम मन बेसिकली यानी आई जो है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, आई एक्स एक्सिस, और जे जो है वाई एक्सिस, और के जो है जेड एक्सिस, के जो है जेड एक्सिस. मतलब अगर हम वेक्टर इन स्पेस डिस्कस कर लेते तो यू बनेगा ए वन हाई, ए टू जे, ए थ्री के. जैसे वहां पे भी मैंने एग्जांपल दिया कि सपोज ये हमारे पास एक वेक्टर है, सपोज इसकी पॉइंट है ए वन ए टू ए थ्री, ये हम मंथी पोजिशन वेक्टर है, तो इसका बनेगा ए वन हाई, ए टू जे, ए थ्री के, विच इज कॉल्ड पोजिशन वेक्टर इन स्पेस. इसी तरह अगर इसके मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, ए वन स्क्वेयर, ए टू स्क्वेयर, ए थ्री स्क्वेयर. जैसे वहां पे हमारे पास एक्स वाई स्क्वेयर था, यहाँ पे एक्स वाई जेड है, तो तीनों का होगा हमारे पास स्क्वेयर. सेम टू सेम, उसी तरह इन इक्वल वेक्टर इन स्पेस क्या होता है, अमन जो इन्हीं दो वेक्टर्स हो जिनकी थ्री डायमेंशनल हो, फॉर एग्जांपल ई इज इक्वल टू ए वन आई, ई टू जे, और ए थ्री के, बी इज इक्वल टू बी वन आई बी टू. मतलब इस मीन्स कि अगर ए वन अब ए बी के मुकम्मल वैल्यू सेम हो, इक्वल कहा जाता है. नेगेटिव वेक्टर भी उसी तरह है, नल उसी तरह, स्केल तमाम उसी तरह है, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास इन थ्री डायमेंशनल होता है और वहाँ पे हमारे पास था टू डायमेंशनल. और इसमें एक और बात जहन में रख लें, वो ये है नोट आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के वन, अगर ये डिफरेंट हो, आई जे हो या आई के हो या जे के हो, दैट ऑल इक्वल टू जीरो. एक मैंने प्रूफ करवाना है, बाकी सेम टू सेम उसी रूल के तहत पे हमूमन डिस्कस होता है. इसमें हम ये कर लेते हैं, हम सबसे पहले आई डॉट आई मीन्स ये हम पढ़ेंगे, जब हम डॉट ख़त्म कर लेते तो क्या लगाते हैं, बल्कि इनसे पहले हम डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस कर लेते हैं, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट. इससे पहले हम पहले डिस्कस कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, फिर उसके बाद हम इस पे आएंगे. डॉट या इसके एक और नाम है स्केलर प्रोडक्ट. डॉट आर स्केलर प्रोडक्ट व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स इफ दे रिप्रेजेंटिंग वेक्टर is, if the resultant vector is in scalar quantity, in scalar quantity,
such a product, such a product is called dot or scalar product. डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है कि इसके बीच में डॉट यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, तो ए डॉट बी. और जब डॉट हम खत्म करते हैं, हम क्या लगाएंगे? हम कोसाइन ऑफ थीटा. फॉर एग्जाम्पल, ए और डॉट बी भी हो, तो ए into b cosine of theta. जब डॉट हम खत्म कर लेते हैं तो कोसाइन लगाते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट आगे पढ़ेंगे. इसका एग्जाम्पल क्या है? वर्क. डब्ल्यू सी डिनोट किया जाता है फोर्स into displacement. इट इज वेक्टर, इट इज also वेक्टर. हमने दो वेक्टर मल्टीप्लाइड किया. प्रोडक्ट में हमारे पास एक स्केलर आया. सच अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर और डॉट प्रोडक्ट. मैंने कहा डॉट इसलिए कहा जाता है कि इसके बीच में डॉट यूज होता है. और इस जेन में रख ले कि अमूमन डॉट को खत्म करने के लिए हमेशा हम कोसाइन लगाते हैं. और क्रॉस आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह. तो क्या लिखा है? अगर हम दो वेक्टर को व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स, अगर हम दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर ले, अगर उसका रिजल्टेंट वेक्टर इन स्केलर में आ जाए, उस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट. जिसके एग्जांपल हमारे पास वर्क है. वर्क क्या होता है? द प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि फोर्स भी हमारे पास एक वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास वेक्टर है. हमने दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाइड किया और उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया? वर्क आया. वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है. सच अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड डॉट और स्केलर प्रोडक्ट. नोट, हम आएंगे अभी किस पे आएंगे? इस पे आएंगे. अब इसके बाद हम इस पे आएंगे कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, वन की इक्वल होता है. बट अगर ये डिफरेंट हो, आई जे हो या आई के हो या जे के हो, इनी मीन्स डिफरेंट हो, वो किसके इक्वल होते हैं? जीरो के. चूंकि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई डॉट आई लेता हूं, तो I डॉट I, ए डॉट खत्म हो तो कोसाइन लगाते हैं. लेकिन दोनों एक ही एक्सिस पे लाइन करता है. जब दो वेक्टर एक ही एक्सिस पे लाइन करते हैं तो पैरेलल बन जाता है. पैरेलल की केस में एंगल क्या बनेगा? जीरो का. तो हम मानिए वन नहीं नोट वेक्टर, ये भी वन है. कोसाइन जीरो अगर टेबल में देखा जाए वो भी वन है. वन वन वन, दैट इज वन. सिमिलरली जे जे भी वन की इक्वल है क्योंकि वो वाई एक्सिस पे है. और के भी वन की इक्वल है, वो भी हमारे पास जेड एक्सिस पे है. बट जो डिफरेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई जे हैं, आई जे के दरमियान में 90 का एंगल बनता है. बाकी सब के दरमियान एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. जो एक्सिस होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के आई एक्स के एक्स, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर. ये बनेगा आई जे. जब परपेंडिकुलर हो तो उस केस में 90 का एंगल बनता है. और कोसाइन 90 हमें पता है, ये वन है, ये वन है. कोसाइन 90 जीरो की इक्वल है, एड वी कम जीरो. इसी तरह हाई जे, यानी जो डिफरेंट हो, इनोट वेक्टर्स वो किसके इक्वल होते हैं? जीरो के इक्वल होते हैं. सो दैट इज कॉल्ड डॉट आर स्केलर प्रोडक्ट.